आज की ऐप है नोटिफिकेशन रिमाइंडर। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन रिमाइंडर ऐप क्या करती है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर पर हम देखेंगे कि नोटिफिकेशन रिमाइंडर ऐप है। इसके 100,000 डाउनलोड्स हैं और 4.2 रेटिंग है। तो काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं और काफ़ी अच्छे इसके डिज़ाइंस हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये ऐप क्या करती है। तो इस ऐप में ये फर्स्ट होम स्क्रीन है जिसके अंदर हम अपना नोट का टाइटल डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डालता हूँ पार्टी, और फिर हम नोट कंटेंट डाल सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एट 8 PM। तो अब हम इसको परसिस्टेंट रख सकते हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि ये अपनी नोटिफिकेशन पैनल में रहेगी परसिस्ट होके। तो अगर हम इसको परसिस्टेंट करते हैं और फिर नोटिफाई करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन आया मेरे को और नोट सेव्ड का टोस्ट आया। तो नोटिफिकेशन रिमाइंडर अगर मैं खोलूँ ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल, तो ये मेरे को दिखा रहा है कि पार्टी एट 8 PM है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको जो चीज़ें बिल्कुल ही याद रखनी है कि करनी करनी है, तो वो आपके नोटिफिकेशन में फ़िक्स हो जाती है। तो इससे आप देख सकते हो कि आप कभी भूलोगे नहीं, कि नोटिफिकेशन तो जनरली लोग चेक करते ही हैं, तो आप इससे भूलोगे नहीं कि आपको क्या काम करना है या क्या नहीं। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन होता है शेड्यूल का। इसमें आप शेड्यूल कर सकते हो कि आपको कब किस डेट पे चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, तो उस टाइम पे वो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो और उसके बाद अब हम देखते हैं सेटिंग्स मेन्यू में क्या है। इनके सेटिंग्स मेन्यू में इसकी डेवलपर्स ने अपनी फैमिली डाली हुई है कि मेरे पास मैंने ये ऐप्स भी बनाई है, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने सेंड सजेशन का ऑप्शन दिया है और रेटस का ऑप्शन दिया है। उसके बाद इनके आ जाते हैं ड्रॉअर मेन्यू में। यहाँ पे उन्होंने डाला है कि आप अपने बैक रिमाइंडर्स चेक कर सकते हो, कि आपके जो रिमाइंडर्स हैं पीछे, तो उनको चेक कर सकते हो। आप जनरल सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। इसमें सेटिंग्स बहुत सारी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो अभी हमने नोट लिस्ट दिखाई थी जिसमें ये रिमाइंडर्स चेक कर सकते हो, आप इसको आप अपनी होम स्क्रीन भी सेट कर सकते हो। होम स्क्रीन वैसे तो नोट बनाने की स्क्रीन आती है, तो आप इसमें अपनी नोट लिस्ट को होम स्क्रीन सेट कर सकते हो। फिर आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कीबोर्ड हमेशा ऊपर आए या नहीं। उसके बाद आप ये सेट कर सकते हो कि आपकी नोटिफिकेशन जो परसिस्टेंट चेकबॉक्स पर क्लिक किया था मैंने, वो हमेशा क्लिक रहे बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपकी ऐप क्लोज हो जाए जब नोटिफिकेशन क्रिएट हो जाए। उसके बाद आप स्टेटस बार आइकन को हाइड कर सकते हो नोटिफिकेशन के। इस तरह करके काफ़ी सेटिंग्स है इसमें। उसके बाद आप इसमें सजेशन सेंड कर सकते हो, रिव्यू रेट कर सकते हो, एक फ्रेंड को बता सकते हो कि ये ऐप क्या है। तो दोस्तों ये ऐप काफ़ी यूज़ में करता हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मेरे को अप टू डेट रहती है, मेरे को रखती है ये अपने काम से। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थी हमारी नोटिफिकेशन रिमाइंडर ऐप। होप कि आपको ये ऐप पसंद आए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमें कौन सी ऐप नेक्स्ट आप जानना चाहते हैं, तो हम उस ऐप के बारे में आपको बताएंगे।